हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं कोरियन स्टाइल नूडल्स बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो नूडल्स को बनाने के लिए सबसे पहले उसके मसाले को बनाना है, तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने करीब 8 से 10 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 1 दालचीनी, कुछ इलायची, 2 लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया ली हूँ। अब इसे एक पैन में डाल दे और इसे कुछ देर के लिए रोस्ट कर ले। गैस का फ्लेम मीडियम रखें और करीब 1 से 2 मिनट रोस्ट करने के बाद इसे एक ब्लेंडर में निकाल ले और इसका एक फाइन पाउडर बना ले। तो ये मसाला साइड में रखती हूँ, ये मुझे लास्ट में चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है, उसमें करीब 1 कप धनिया पत्ता और 2 चम्मच लाल कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। इसे अच्छे से मिला ले। अब हम एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म होता है तो उसमें प्याज डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा सा प्याज फाइनली चॉप करके डाला है। साथ ही साथ इसमें करीब 1 बड़ा चम्मच अदरक और 1 बड़ा चम्मच लहसुन को भी फाइनली चॉप करके डाल देंगे। अब मसाले को अच्छे से फ्राई कर ले। हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे भुनना है, फिर उसमें सारे वेजिटेबल्स डाल दें। मैंने यहाँ पे 1/2 कप गाजर और 1/2 कप हरी और पीली शिमला मिर्च डाला है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालें और इसे कुछ देर के लिए और फ्राई करें, या फिर जब तक गाजर और शिमला मिर्च अच्छी तरह कुक नहीं हो जाता। जैसे ही अच्छे से कुक हो जाएगा इसे बोल में ट्रांसफ़र कर ले। तो यहाँ पे मैंने फ्राई किए हुए वेजिटेबल्स को इसमें डाल दिया। इसे अच्छे से मिला लीजिए। सभी मसाले अच्छे से मिला लीजिए। तो उधर मैंने नूडल्स बनने के लिए पानी को गर्म होने के लिए ऑलरेडी रख दिया है। तो यहाँ पे पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। जैसे पानी पूरे उबलने लगे तभी इसमें नूडल्स डालना है। तो मैंने पहले इसमें 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा तेल डाला है। यूजुअली तेल इसलिए डाला जाता है ताकि नूडल्स टिकी न बने। तो यहाँ पे मैंने नूडल्स को डाल दिया है। इसे कुछ देर के लिए बॉयल करें। एक मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसे छान के उसी बोल में डाल देंगे। थोड़ा सा पानी अगर इसमें रह जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने जो मसाला बनाया था सबसे पहले, वही मसाला 2 चम्मच डाल देंगे। साथ ही साथ 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच शेजवान सॉस और साथ ही साथ 2 चम्मच टोमेटो केचप डाल देंगे। और एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आप स्पाइसी खाना थोड़ा कम चाहते हो तो यहाँ पे शेजवान सॉस थोड़ा कम डालिएगा। अब नूडल्स को मसालों के साथ और सॉस के साथ अच्छे से मिला लीजिए। तो फाइनल टच आप एक बार जरूर देख ले कि इसमें नमक ठीक है कि नहीं। अगर नमक ठीक रहा तो ठीक है, वरना आप ऊपर से डाल सकते हैं थोड़ा सा, और इसे अच्छे से मिला लीजिएगा। तो हमारा कोरियन स्टाइल नूडल्स तैयार है। इसे चलिए प्लेटिंग करते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर थोड़े से धनिए के पत्ते को फाइनली चॉप करके गार्निश किया है। तो आपको हमारा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड डे।